नमस्कार, आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गैंग्स ऑफ राजस्थान में आज हम आपको जिस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली दिखाने वाले हैं, उसके लिए कहते हैं कि वो बचपन से ही डॉन बनना चाहता था और स्कूल के वक्त से ही झगड़े उसकी आदत में शुमार थे। लेकिन डॉन बनने की राह पर कैसे उसने अपराध की दुनिया में खुद को स्थापित करने के लिए बंदूक और बारूद से मोहब्बत की, भरतपुर में दहशत फैलाई, जब दायरा छोटा लगा तो दिल्ली, एमपी, यूपी में भी दहशत फैलाना शुरू कर दिया। इसके लिए जरूरत थी एक गैंग बनाने की। गैंग को नाम दिया गया पथेना गैंग। आज जिस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली हम आपको दिखाने वाले हैं, उसका नाम है विनोद पथेना। विनोद पथेना, पथेना गांव का वो लड़का जिसका जन्म एक पुलिस अधिकारी के घर पर हुआ। पिता अपराधियों को सजा दिलाते दिलाते कभी ये सोच भी नहीं पाया होगा कि उसका खुद का बेटा अपराध की दुनिया में नाम कमाने का सपना पालकर डॉन बनने की राह पर चल पड़ा है। लेकिन दिए तले ही अंधेरा होता है। ऐसा ही अंधेरा यहाँ था। स्कूल के वक्त से ही जो अपराध की राह विनोद पथेना ने पकड़ी, उस पर चलकर वो बन गया पथेना गैंग का सर्वे सर्वा। लेकिन आज हम आपको इस विनोद पथेना की पूरी क्राइम कुंडली दिखाने वाले हैं, उसकी गैंग से पर्दा हटाने वाले हैं। विनोद के साथ साथ उसकी गैंग के हर गुर्गे की चेहरे से नकाब हटाने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नाम विनोद पथेना, शौक डॉन बनना, उपलब्धि कई राज्यों में मोस्ट वांटेड, पहचान पथेना गैंग का सरताज, काम रंगदारी, हत्या अपहरण, वर्तमान पता पता नहीं फरार है। विनोद उर्फ विनोद पथेना, जिसने एक पुलिस वाले के घर में जन्म लिया लेकिन अपराध की दुनिया के सपनों को पाला, डॉन बनने की फितरत के साथ स्कूली पढ़ाई के वक्त से ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। हर दिन झगड़े होने लगे तो पिता तेज सिंह ने पढ़ाई छुड़वा दी और विनोद को घर बैठा दिया गया। यहाँ से विनोद की जिंदगी पूरी बदल गई और अपराध की दुनिया में दस्तक की तैयारी शुरू कर दी गई। वो चाहता था कि उसके नाम साल जब विनोद ने अपनी गैंग को बनाना शुरू किया और नाम दिया गया विनोद पथेना गैंग। सबसे पहले विनोद ने इस गैंग में 5 बदमाशों को जोड़ा। सुधीर पहलवान जयपुर, वीरेंद्र सिंह जयपुर, हेमराज सिंह जयपुर, संदीप सिंह उर्फ निक्की अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, दीपक धनखड़ भरतपुर। इस गैंग के जरिए विनोद पथेना ने दहशत फैलानी शुरू की। शुरुआत में भरतपुर को निशाना बनाया, उसके बाद जयपुर, मथुरा, अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विनोद पथेना का नाम सुनाई देने लगा। जैसे जैसे विनोद पथेना गैंग के अपराध बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसके खिलाफ अलग अलग जिलों के थानों में मुकदमों की संख्या बढ़ रही थी। अब इस गैंग का काम था दहशत को तेजी से बढ़ाना। इसके लिए गैंग ने भरतपुर और जयपुर के नामी बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी कारोबारियों से रंगदारी मांगना शुरू किया। तो देखते ही देखते इस गैंग की दहशत व्यापारियों और कारोबारियों में बढ़ती चली गई। विनोद पथेना आज जो 1 लाख से ज्यादा का इनामी गैंगस्टर है, जिसको पुलिस तलाश रही है, उस परिवार में विनोद के 3 भाई हैं। उनमें से एक
आरएसी में कांस्टेबल है, उनमें से एक टीचर है और एक सेना में है और पिता खुद पुलिस कांस्टेबल रहे। जरा सोचे पूरे परिवार के सम्मान को किस तरीके से विनोद ने बर्बाद किया और इसलिए परिवार ने विनोद को बेदखल कर दिया। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कैसे विनोद अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनने के लिए खौफनाक होता चला गया। साल 2000, विनोद ने अपने ही गांव के सरपंच के चुनाव में रंजिश की वजह से सरपंच विरपसल जाट की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद विनोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और जेल भेज दिया। जेल जाने के बाद एक दिन विनोद की तबीयत खराब हुई तो पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन विनोद पुलिस को गच्चा दे फरार हो गया। एक साल तक विनोद फरारी काटता रहा। साल 2005 में हलेना के टोल कर्मी पर हमला कर दिया। पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया। पहले सरपंच की हत्या और फिर टोल कर्मियों पर हमला। विनोद पर केस चला और उसको 12 साल की सजा हुई। इन 12 सालों में विनोद सुधरा नहीं, बल्कि अपराध की दुनिया पर उसके मंसूबे और ज्यादा खतरनाक हो गए। विनोद को डाल दिया गया सेवर जेल में। विनोद की पहचान हुई बदमाश दीपक धनखड़ से। दीपक ने विनोद को अपराध के गुर सिखाए। जेल की सलाखों में 12 साल बिताने और दीपक से अपराध की दुनिया के गुर सीखने के बाद अब विनोद जमानत पर बाहर आता है और बाहर आकर अपनी गैंग को फिर से मजबूत करने लगता है। इसके लिए अब विनोद को चाहिए था पैसा, हथियार और बदमाश जो उसके इशारों पर नाच सके, अपराध को अंजाम दे सके। हथियारों की तलाश में विनोद पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश। यहां उसकी मुलाकात होती है बदमाश और हथियार सप्लायर प्रहलाद, जगदीश और धर्मेंद्र से। तीनों ने विनोद को हथियार भी मुहैया कराए और बदमाशों की फौज भी। हथियारों और बदमाशों के दम पर शुरू हुई दहशत। लोगों को धमकाकर शुरू किया जमीन पर कब्जा करना। 2019 में जमीनी विवाद में यूपी के भूरी जाट की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद विनोद को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर दिया और उसी कागरोल जेल में डाल दिया गया। वर्ष 2019 में विनोद ने अपने साथियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के नौरंगपुरा में एक व्यापारी की हत्या की थी। दरअसल जमीनी विवाद के चलते उसने भूरी सिंह नामक युवक की हत्या की थी और हत्या के बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया, जहां पर करीबन 7 महीने विनोद पथेना ने जेल में बिताए। इससे पहले की बात करें तो वर्ष 2000 के अंदर विनोद ने अपने ही गांव के सरपंच की गोली मारकर हत्या की थी, लेकिन 10 साल बाद फिर से वही हत्याकांड होना कहीं ना कहीं विनोद के नाम को एक नई उछाल देने वाला साबित हुआ। विनोद का अग्रोल जेल में बंद था, जमानत पर बाहर आता है, लेकिन अब विनोद तय कर चुका था कि वापस गांव लौट जाएगा। अब अपराध नहीं सियासी रास्तों पर आगे चलेगा। साथ ही विनोद सोचता है कि उसकी वजह से जो बदनामी उसके परिवार की हुई, सियासत में उतरकर उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अपराध की दुनिया में एंट्री जरूर अपनी मर्जी से होती है, गुनाह कभी पीछे छोड़ते नहीं। अब तक विनोद हत्या कर चुका था, रंगदारी मांग चुका था, अवैध धंधों की वजह से कई बार जेल जा चुका था और अब सोच रहा था कि वो गांव लौट जाए। जरा देखिए जब वो वापस गांव लौटा तो उसके साथ क्या हुआ या फिर उसने क्या किया। विनोद पथेना और उसकी गैंग कई राज्यों के पुलिस की रडार पर आ चुकी थी। विनोद कई सालों तक जेल की हवा खा चुका था, तो क्या वो अब अपराध की राहों पर चलते चलते थक चुका था और अपने गांव वापस लौटकर सियासी तौर पर सक्रिय होना चाहता था। उसने यही सोचा था और सोचा था कि अपने गांव का सरपंच बनकर अपने परिवार की इज्जत को बढ़ाऊंगा। विनोद अपनी गैंग के साथ पथेना गांव पहुंचा। गांव में सरपंच चुनाव के लिए पंचायत चल रही थी। पंचायत में विनोद ने सरपंच का चुनाव लड़ने की घोषणा की। भूपेंद्र प्रधान और राजवीर ने उसे बदमाश बताते हुए बेइज्जत कर दिया। बड़े बुजुर्गों के बीच बेइज्जती के बाद विनोद ने बदला लेने की ठानी। 1 सितंबर 2020 को राजीव का अपहरण कर लिया गया। विनोद और गैंग ने राजवीर के दोनों हाथ पैर तोड़ दिए। राजवीर को आगरा में सड़क किनारे डाल दिया गया। 23 सितंबर 2020 को विनोद फिर से गांव पहुंचा, भूपेंद्र प्रधान के घर जाकर उससे मारपीट की।
उपेंद्र के हथियार लूटकर विनोद गांव से फरार हो गया। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के बाद विनोद ग्वालियर और झांसी में रहकर फरारी काटने लगा। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और उसके अपराध कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। शायद इसीलिए अपराध की दुनिया को छोड़ जो विनोद गांव लौट रहा था, वहां से फिर वो अपराध की दुनिया में एंट्री करता है। विनोद फिर से फरार होता है। ग्वालियर में धीरज ठाकुर और झांसी में कमलेश यादव ने विनोद की फरारी कटवाई तो गुड़गांव में कृष्ण कुमार ने विनोद को आसरा दिया। फरारी के दौरान भी विनोद ने अपनी गैंग को एक्टिव रखा। विनोद पथेना गैंग के गुर्गे, बिजनेसमैन और प्रॉपर्टी व्यापारियों से पथेना गैंग के नाम पर रंगदारी मांगते रहे, लेकिन एक बार फिर से विनोद का सामना पुलिस से होने वाला था। विनोद दौसा जिले के सिकंदरा आने की तैयारी करता है। यूपी पुलिस को विनोद की लोकेशन की जानकारी मिलती है। यूपी पुलिस ने विनोद को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। विनोद जैसे ही सिकंदरा पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया। विनोद को सरेंडर करने के लिए कहा गया। विनोद ने शुरू कर दी पुलिस पर फायरिंग। पुलिस ने भी विनोद पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों के बीच काफी देर तक फायरिंग चलती रही। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस बार विनोद का भाग पाना नामुमकिन था। विनोद के एक पैर में पुलिस की गोली लगती है। विनोद चिल्लाता है, लड़खड़ाता है, संभल पाता उससे पहले ही विनोद के दूसरे पैर में भी गोली लगती है। विनोद सड़क पर लहूलुहान पड़ा था और चारों तरफ आगरा पुलिस खड़ी थी। आगरा पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया। फरारी के दौरान विनोद पथेना ने अपने कई दोस्तों के यहाँ शरण ली। हालांकि उसने फरारी के दौरान भी अपनी पूरे गिरोह को अलर्ट रखा, या फिर यूं कहें कि वो अपने गिरोह के हर गुर्गे से मिलता रहा। एक बार विनोद सिकंदरा आया हुआ था तो उसी की भनक आगरा पुलिस को लग गई और इसी के चलते आगरा पुलिस ने विनोद को घेर लिया, जहां पर पुलिस और विनोद पथेना के बीच में आपसी फायरिंग भी हुई। इसी घटना के अंदर विनोद के दोनों पांव में गोलियां लगी थी, लेकिन इस घटना ने विनोद पथेना को जुर्म की दुनिया के बादशाह तक पहुंचा दिया। विनोद पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था और इस गैंग पर भी पुलिस ने स्ट्राइक शुरू कर दी, लेकिन विनोद पथेना के गुनाहों की कुंडली बताती है कि कैसे विनोद गुनाह की दुनिया में वक्त के साथ खतरनाक होता चला गया। हम आपको पूरी क्राइम कुंडली दिखाते हैं। साल 2000, गांव के सरपंच वीरपाल जाट की गोली मारकर हत्या, भुसावर थाने में मुकदमा नंबर 39 दर्ज। साल 2003 में विनोद को इलाज के लिए जेल से आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां विनोद सुरक्षा गार्डों को गच्चा देकर फरार हो गया। इस मामले में विनोद के खिलाफ मथुरा गेट थाने में मुकदमा नंबर 215 दर्ज किया गया। साल 2005, हलेना इलाके में टोल नाके पर लूटपाट और मारपीट, हलेना थाने में मुकदमा नंबर 27 दर्ज हुआ। साल 2018 में विनोद को मथुरा गेट थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर दिया और उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 977 दर्ज किया गया। साल 2019, विनोद ने राजवीर का अपहरण कर उसके हाथ पांव तोड़ दिए। विनोद के खिलाफ भुसावर थाने में मुकदमा नंबर 492 दर्ज हुआ। साल 2019, विनोद ने पथेना गांव की भूपेंद्र प्रधान के घर पहुंचकर उस पर हमला कर दिया और उसके हथियार लूटकर फरार हो गया। इस मामले में विनोद के खिलाफ भुसावर थाने में मुकदमा नंबर 543 दर्ज किया गया। साल 2020, भरतपुर कोतवाली थाने में अवैध हथियार मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। साल 2020 में विनोद ने जमीनी विवाद के चलते जयपुर के बुहाना थाना इलाके में भूपेंद्र प्रधान के लड़की नाला पर फायरिंग कर दी। इस मामले में मुहाना थाना पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ये वो मामले हैं जो भरतपुर और जयपुर जिलों के थानों में दर्ज हैं। इसके अलावा मथुरा, आगरा और यूपी के अन्य जिलों में भी विनोद के खिलाफ अनगिनत मामले दर्ज हैं। इन्हीं आपराधिक वारदातों की वजह से विनोद के ऊपर आज की तारीख में 1,20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। विनोद को राजस्थान पुलिस नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस भी तलाश कर रही है।
लेकिन वर्तमान में विनोद कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। विनोद के सामने नहीं होते हुए भी विनोद के गुर्गे हर जगह अलर्ट हैं, या फिर यूँ कहें कि विनोद के गुर्गे अभी भी विनोद के नाम से व्यापारियों से रंगदारी मांग। कोई नहीं जानता कि विनोद पथेना कहाँ है, लेकिन पशुलिया बताने वाला है कि विनोद पथेना कहाँ है। साथ में आपको ये भी बताने वाला है कि वर्तमान में विनोद पथेना का परिवार उसके लिए क्या सोचता है, विनोद की पत्नी, विनोद के पिता, विनोद की माँ उसके बारे में क्या सोचती है, और विनोद जिस गांव से निकलकर गैंगस्टर बना उस गांव में विनोद के बारे में लोग क्या सोचते हैं। दिखाएंगे वो सच जो कोई नहीं जानता, लेकिन एक छोटे सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हर गैंगस्टर की जिंदगी के दो पहलू होते हैं, एक पहलू जो दुनिया के सामने होता है जिसमें वो अपराधी होता है, हत्यारा होता है, कानून का गुनहगार होता है, और दूसरा पहलू होता है उसके परिवार का। हमने विनोद पथेना की जिंदगी के दूसरे पहलू को भी जानने की कोशिश की। फर्स्ट इंडिया की टीम विनोद पथेना के गाँव पहुंची, लोगों से मिली, विनोद पथेना के पिता, माँ और पत्नी से मिली और उनसे बातचीत की। तो जरा देखिए परिवार विनोद पथेना के बारे में क्या सोचता है। विनोद पथेना के स्कूल, घर, गांव, पड़ोस हर जगह फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची, लोगों से मिली, उसके बाद फर्स्ट इंडिया की टीम विनोद पथेना के घर पहुंची। इस वक्त मैं मौजूद हूं पथेना गांव में। यह गांव वो है जिसे विनोद पथेना के नाम से जाना जाता है। मेरे सामने विनोद पथेना का मकान है, आप देख सकते हैं जो विनोद पथेना है उसका यह पूरा मकान है, और पथेना गांव को विनोद पथेना के नाम से जाना जाता है। क्या कारण रहे कि विनोद पथेना इस जुर्म की दुनिया में आया, और इस पूरी चर्चा को लेकर उनके परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे अपन बात भी करेंगे। पहले सभी ने मिलने से इनकार किया, फिर बात करने को तैयार हो गए। तो सबसे पहले सुनिए विनोद पथेना के पिता जो पुलिस में रह चुके हैं, वो विनोद के अपराधों के बारे में, विनोद के अपराधी बनने के बारे में क्या कहते हैं। तो आप क्या पहले पुलिस में थे? हाँ जी, पुलिस में थे। तो क्या कारण रहे विनोद को इस दुनिया में आना पड़ा, गैंगस्टर बनना पड़ा, ये जुर्म की दुनिया में? ये साफ राजनीति का मामला है। ये भूपेंद्र का नाम ले दूं मैं? हाँ बताओ। भूपेंद्र प्रधान है, इसने जो है कि चुनाव के पीरियड में मेरा भाई जीत गया था, ये हार गया, इसने राजनीति से एक भड़क करा दिया, उसके बाद में वो जेल चला गया, फिर जमानत धो के आ गया, उसके बाद में ये उसके पीछे पड़ता ही रहा, जब छूट के आता है उसके खिलाफ़ झूठे मुकदमे कराता रहता है। अब ये भी जयपुर में कराया, उसके खिलाफ मुकदमा झूठा कराया, गैंगस्टर बना दिया, और FIR की कॉपी में लेके आया हूँ। इसमें FIR कॉपी में क्या है? उसका नाम दिया गया कि उसने वहाँ जा करके एक्सीडेंट किया है। हाँ। और उसको जो है कि इतने रुपये मांग रहा है, कोई भी आवाज़ में तो कोई भी कह सकता है। तो उस समय वो 3 तारीख 4 और 5 सीओ साहब और कोतवाल साहब खुद देख के गए यहाँ पे कि वो प्रेजेंट है यहाँ। विनोद पथेना के पिता से बात करने के बाद हमने विनोद पथेना की माँ से भी बात की। माँ की नजर में उनका बेटा ना सिर्फ शरीफ है, बल्कि माँ मानती है कि उनके बेटे को फंसाया गया है। क्या विनोद की मदर है? हाँ। क्या हाँ, कारण रहे? हाँ जी, हाँ जी, मैं मदर हूँ विनोद की। विनोद बेटा मेरा बहुत सीधा हो, बहुत शरीफ हो, इन लोगों ने गुमराह कर करके मेरा बेटा बिगाड़ दियो। यहाँ के लोगों कोई ऐसे दुश्मन है हमारा, हमारे बच्चा को बहकाता है और सब तरह से हमारे बेटा वो कर दियो, और मेरा बेटा बहुत अच्छा, मेरे गांव में कोई ना कह सके कि मेरा बेटा गलत है, बहुत अच्छा है। और हम 21 बैठन थे हारे, उन्हें हम सरपंच जीत जाते, हम ऐसे गुंडा होते तो हमको कौन वोट दे। तो उसको कभी समझाया आपने? हाँ जी। क्या समझाया? बहुत समझाया बच्चा हमारे, देखो हमारे दो बेटा नौकर, हमारे या को पापा नौकर, हमारे कोई बातें कमी नहीं है, दाल रोटी दे रखे परमात्मा ने, पर बच्चों को हम खूब डांटते हैं, लेकिन कैसे बा में फंसेगा पता नहीं कौन हमारे मन बच्चा के। अच्छा, पीछे ये जो मामला था पूरा चुनावी रंजिश थी गाँव की? चुनावी रंजिश थी, अब तो कोई बात नहीं है रही है सब। अब इससे पहले कभी आपने कभी उनको बोला कि बेटा की वापस आ जाओ जुर्म की दुनिया में, कोई
फायदा नहीं है, कोई बात ऐसी आपने कभी उनको सलाह दी? हाँ जी। क्या कहा? कही जी के बच्चा हमारे खूब समझा में हम 12-14 बीघे धरती आ रही, तेरे बट में 4 भाई है, ये तीसरे नंबर को ये बच्चा मेरो। अच्छा, कितने भाई? 4 भाई है। चार भाई। बड़ा क्या क्या करता है? आरएसी पुलिस में। आरएसी पुलिस में। दूसरे नंबर का? दूसरे नंबर को बच्चा रोड बेच सरकारी। हाँ, सरकारी ड्राइवर। अच्छा, तीसरा? तीसरे नंबर को विनोद है। तीसरे नंबर का विनोद है। हाँ, चौथे नंबर को फौज में जी। जी, हाँ, छोटे छोटे। तो ये पूरा परिवार कभी उनसे समझाया विनोद को? खूब समझा मैं कि बच्चा मार कर रहे, लेकिन बच्चों को हमारे बच्चा है, कोई बहकाता है, कोई ऐसे माहौल में ले जा गंदे में जा, जब मेरे बच्चा को मेरे पीछे पर रहो, मेरे बच्चे का नहीं, मेरे बच्चा बहुत सीधा जी। माता पिता की नजर में उनका बेटा परिस्थितियों की वजह से अपराधी बना, लेकिन विनोद पथेना ने यूपी के कई जिलों में दहशत फैलाई, हत्याएं की, राजस्थान के कई जिलों में दहशत फैलाना, क्या वो भी परिस्थितियों पर आधारित था? बिल्कुल नहीं। तो जरा ये भी सुनिए कि विनोद पथेना की पत्नी विनोद की क्राइम कुंडली पर क्या कहती है। फर्स्ट इंडिया ने उनसे भी बात की। इंडिया के जो चैनल है उस पर साफ तौर पर जो विनोद पथेना है उसका परिवार आपको सीधी जो भी तस्वीर है उनको बता रहा है क्या घटनाक्रम रहा। उनकी मदन ने भी बताया, उनकी पत्नी है, उनसे भी चर्चा करेंगे। और कभी भी आपकी कभी बात होती है तो आपने भी कहीं उनको सलाह दी हो कि वापस आने के लिए इन चीजों को छोड़ने को लेकर? क्योंकि हमेशा अगर देखा जाए कई घटनाएं ऐसी हुई है जिन्होंने जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उनका यही है नुकसान, बस वो प्रधान ही करवाता है, जो भी है प्रधान ही मुद्दा है। प्रधान इस दुनिया से चला जाए ना, समझो वो सुधर जाएंगे। तो ये माना जाए कि पूरा जो मामला था ये उनकी जुर्म की दुनिया का, ये लोकल जो राजनीति थी पथेना का जो चुनाव का था वो मेन पॉइंट रहा है इस चीज को लेकर। हाँ जी, वो मेन पॉइंट रहा है चुनाव 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 के कारण। ये सच है कि जिस माहौल में बच्चे बड़े हो रहे हैं हो सकता है कि इसका असर उन पर पड़े, लेकिन इस प्रभाव के अलावा भी इस परिवार का एक अलग पहलू है जिसमें विनोद को छोड़ दिया जाए तो सभी सरकारी कर्मचारी हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में परिवार जिसे विनोद के अपराध की दुनिया में एंट्री के लिए दोषी मानता है वो नाम है भूपेंद्र प्रधान, जिसको घर में घुसकर विनोद प्रधान ने पीटा और हथियार लेकर फरार हुआ। विनोद पथेना पुलिस और कानून की नजर में गुनहगार है, कई हत्याएं कर चुका है, पुलिस से मुठभेड़ कर चुका है, पुलिस पर गोलियां बरसा चुका है, कई बार जेल जाने के बाद भी वो सुधरा नहीं बल्कि अपराध की दुनिया में और ज्यादा खौफनाक हुआ। वजह जो भी रही हो लेकिन विनोद पथेना गुनहगार है और उसको इसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, और वो कितने ही फरारी काट ले एक दिन पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ेगा। गैंग्स ऑफ राजस्थान में आज के लिए बस इतना है। जय हिंद।